मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से कमलनाथ की अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने भी कमलनाथ से जवाब मांगा है, लेकिन अगर सोनिया गांधी कमलनाथ पर कार्रवाई नहीं करती तो ये माना जाएगा कि वे कमलनाथ की अमर्यादित टिप्पणी से सहमत हैं। शिवराज ने कहा सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ ही एक महिला है, माँ, बहन और बेटी है। उनको कमलनाथ के खिलाफ महिला पर अमर्यादित टिप्पणी पर कार्रवाई करनी चाहिए। शिवराज ने कहा मैंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कार्रवाई के विषय में जवाब मांगा था, लेकिन अब तक उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। अब तो चुनाव आयोग ने भी कमलनाथ से जवाब मांगा है। अगर सोनिया गांधी कार्रवाई नहीं करती हैं तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस कमलनाथ के बयान पर सहमत है। चुनाव आयोग कमलनाथ जी से जवाब मांग रहा है, देश चुनाव आयोग से जवाब मांग रहा है, लेकिन मैंने कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वो भी कमलनाथ जी से जवाब मांगे, और जो अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की है उसके संबंध में, वो एक मां, बहन और बेटी होने के नाते ऐसे अमर्यादित नेता के खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने ये भी लिखा था कि अगर वो कार्रवाई नहीं करती तो ये माना जाएगा कि उस अमर्यादित बयान से वो सहमत हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैं कांग्रेस की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से फ्री आग्रह करता हूं कि मेरे पत्र का जवाब दें, या तो कमलनाथ जी के खिलाफ कार्रवाई करें या फिर ये कहें कि उन्होंने जो कहा था सही था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।